हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज है फास्ट असेसमेंट का सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक टाइप देखे थे फास्ट असेसमेंट के, और आज हम करेंगे डिफरेंट यानी सेकंड टाइप के क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कैसे करोगे, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना, जो मैं बताना चाहूँ उसको समझना ध्यान से। सपोज करो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ, ध्यान से समझना चीज को जो कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड अगला टाइप। इधर होता नेट प्रॉफिट, मान लो नेट प्रॉफिट है 100 रुपए का, ठीक है, और यहाँ आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 20 रुपए। तो इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना होगा भाई, तो बोलोगे सर 100 अगर है और 100 में से 20 रुपए अगर ये है तो 80 होगा। मैंने गलती से इसको 20 की जगह 40 कर दिया, क्या कर दिया भाई इसको 20 की जगह कर दिया 40, तो ये क्या हो जाएगा 60। इसको मैं 30 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 70। इसको 50 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 50। मतलब क्या है कि मैं ये कह सकता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अगर कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो उसका सीधा इफेक्ट इंडिविजुअल प्रॉफिट पे पड़ेगा, ज्यादा कम जो भी करेंगे उसका सीधा इफेक्ट इंडिविजुअल प्रॉफिट से ज्यादा कम हो जाएगा। और ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए रूल नहीं अप्लाई होता, सैलरी में भी यही होगा, कमीशन में भी यही होगा, रिजर्व में भी यही होगा, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा तो उसमें भी ऐसा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब क्यों पड़ेगा, क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी चीजें अगर आती है उसमें से अगर कोई भी चीज अगर हम ज्यादा या कम दे दें तो उसका सीधा इफेक्ट क्या होगा कि इंडिविजुअल प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ जाएगा, और इंडिविजुअल प्रॉफिट जो बचता है वो बढ़ता है, वो किसे बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस बात को बस दिमाग में रखना है क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी बात के ऊपर है। जैसे मैं एग्जाम्पल फॉर आपका क्वेश्चन दिखाता हूं, इस बात को समझना ध्यान। जैसे मान लो क्वेश्चन आपका, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर सपोज करो लिखा है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, X, Y, Z पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, 3:1 का रेशियो है। आगे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है उसके लिए बात है, भी लिखेंगे पहले कैपिटल लिख लेते हैं पहले, क्या तो इनकी कैपिटल दी हुई है भाई 1,00,000, दूसरे वाले की 50,000। रेशियो को भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 3:1:1 कर देता हूँ, है ना, फिर बिठा देते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं अच्छे से बढ़िया सा। तो एक्स वाई जेड पार्टनर थोड़ा आसान हो जाएगा 3:1:1 रेशियो रखने में, 3:1:1 का रेशियो है, और इनकी कैपिटल दे रखी है मान लो 1,00,000 इसकी कैपिटल है, 50,000 इसकी कैपिटल है, 50,000 इसकी कैपिटल है, ठीक है। और नीचे लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड देम 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर। इस लाइन का क्या मतलब है कि हमें 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पर हमने 6 दे दिया, इंस्टेड ऑफ 5 मतलब 5 देना था पर 6 दे दिया, और कुछ इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो था 5% पर हमने दे दिया 6%, यानी हमने 1% ज्यादा दिया। तो हमें इसी चीज को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन करना है, सीधे बनाते हैं इसमें प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, क्या क्या नाम था, एक्स वाई जेड और टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या किया, 1% ज्यादा दिया, यानी गलत दिया तो गलत हो जाएगा डेबिट। कैपिटल का निकाल लो 1,00,000 का 1%, 1,000, 500, कुल मिला के 2,000 रुपए। ध्यान से बता बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, 2,000 रुपए हमने ज्यादा दिया, नहीं देते तो इंडिविजुअल प्रॉफिट का पार्ट होता और बढ़ता 3:1:1 में। तो अगर ये गलत वाला डेबिट, गलत कैसे हुआ, क्योंकि हमने 1% ज्यादा दिया, या ध्यान रखना डेबिट क्रेडिट का ही रोल है, पूरा खेल डेबिट क्रेडिट का ही है। तो इस क्वेश्चन में हमने 1% ज्यादा दिया है, ज्यादा तो 1% ज्यादा, 1% गलत है, 5 तो लेना ही था पर हमने दिया है 6, यानी 1% हमने गलत दिया तो 1% हम वापिस लेंगे, और वापिस लेंगे तो कैपिटल कम करेंगे तो डेबिट, तो ये डेबिट, तो अगला वाला सही होगा, तो अगला वाला क्रेडिट। क्या करना है, तो 2000 का प्रॉफिट रेशियो यानी 3:1:1 में बढ़ जाएगा, 3:1:1 में अगर 2000 को बांटो, 2000 डिवाइड बाई 5 400 और 400। अब देखो ध्यान समझना, इसमें देखो 200 बच रहा बैलेंस, कौन सा ज्यादा है तो क्रेडिट, यहां 100 कौन सा ज्यादा ऊपर वाला यानी डेबिट, यहां भी 100 डेबिट, बस इसके बाद आपको मेन आंसर एंट्री, दोनों डेबिट है,
यानी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 100, 100 और 200, ये आपकी हो गई एंट्री, यही आपका मेन आंसर है। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें दो और वैरायटी बताओ। तो यहाँ पे क्या था कि आपने इंटरेस्ट उनके आपने क्रेडिटेड दम 5-6% इंस्टीट्यूट ऑफ 5%, मतलब 5 की जगह आपने 6% दिया, तो 1% आपने ज्यादा दिया, ज्यादा दिया जितना उतना आपने डेबिट किया, कोई गलत है, और दूसरा वाला कर दिया क्रेडिट। ये क्वेश्चन उलट फेल में भी हो सकता, लिखा होता इंटरेस्ट उनका आपने क्रेडिटेड दम 5% इंस्टीट्यूट ऑफ 6%, 6 की जगह 5, यानी कम दिया होता, अगर कम दिया होता तो ये वाला हो जाता क्रेडिट और नीचे वाला हो जाता डेबिट। ठीक है, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, अगर कम दिया होता, कम दिया होता तो हमें देना पड़ता, तो ये क्रेडिट होता फिर नीचे वाला डेबिट हो जाता, तो ये ज्यादा वाला था कम वाला भी हो सकता है। इसके अलावा एक ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट इन कैपिटल ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, दिया ही नहीं, तो दिया ही नहीं तो आपको देना पड़ेगा ना, और देना पड़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, सीधा अगर हम इंटरेस्ट इन कैपिटल देंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, नहीं कम दिया है, नहीं देने का मतलब होता कम दिया है, तो इसके जैसे होगा जितना देना होगा उतना क्रेडिट होगा, उसका टोटल पीएसआर में डेबिट होगा। तो इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, दूसरा वाला क्रेडिट, कम दिया या फिर नहीं दिया तो दोनों में देना होगा तो उतना क्रेडिट और अगले वाला डेबिट। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे, देखो पहला क्वेश्चन है ये, क्या लिखा है पहला देखो क्या है, ये तो बहुत सिंपल लिखा है कि पी एन क्यू आर बुक का 55 है, पी एन क्यू आर पार्टनर, एक पेज ऐड करते हैं, देखिए पी एन क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, पी और क्यू पार्टनर है रेशियो इक्वल, यहाँ लिख देता हूँ मैं पी और क्यू पार्टनर रेशियो है इक्वल, फिर लिखा हुआ है देयर फिक्स कैपिटल, कैपिटल पहले वाले की 2 लाख है, दूसरे वाले की 3 लाख है, फिर लिखा है द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर नाम, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना था 12% पर नाम। अदर लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 2017 में था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं 12%, तो देना होगा, इसका सॉल्यूशन करते अगले पेज पे, बनाएंगे सीधे प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल, जैसा कि आप जानते हो पी क्यू और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने 12% नहीं दिया तो देना होगा तो क्रेडिट, कैपिटल कितनी है तो भाई 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख का 12 दूनी 24,000 36,000, तो देखो 30-50, 60,000 रुपए हो गए टोटल, ये क्रेडिट, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, एक याद रखना दूसरा तो उसके बाद ही, अगला एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट ही होना है, तो यहां पे हमने 12% ओमिटेड था, मतलब दिया ही नहीं था, तो देना पड़ेगा इसलिए क्रेडिट हुआ, अगला वाला डेबिट हो गया। डेबिट करेंगे, रेशियो क्या था तो भाई पीछे रेशियो देख लेते हैं, रेशियो इनका 1:1 इक्वल, तो रॉन्गली इक्वल होगा, तो 30 और 30, तो यहां देखो 6,000 डेबिट या 6,000 क्रेडिट, तो आपका आंसर हो गया डेबिट, यानी पी फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट से एंटर होगी, तो पी करंट अकाउंट डेबिट टू क्यू करंट अकाउंट, ये देखो इसके साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, क्लियर है बात। तो ये ओमिटेड वाला था, आपने दिया ही था तो देना होगा तो क्रेडिट, दूसरा वाला डेबिट, देखो एक और है, ये देखो इसे भी ऐसे है, आजाद एंड बेनी वाला पार्टनर कैपिटल 40,000 80,000 पार्टनर्स में जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनरशिप डीड में 5% जो कि हमें दिया नहीं, सेम है 5% ओमिटेड तो दे देना, तो ये भी आपका होमवर्क का पार्ट है, करना इसको, ये भी करना। अगले पे आते हैं, अगला देखो क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन देखो, राम राम है, मोहन है एंड सोहन है, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वल, इनका रेशियो है 1:1:1, फिर लिखा है देयर कैपिटल, पहले वाले की कैपिटल 1,20,000, नई बुक का क्वेश्चन नंबर 57 90,000 और 60,000, फिर लिखा फॉर द ईयर 31st मार्च 2022 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड देम 6% इंस्टीड ऑफ 5%, मतलब हमने 6% दे दिया इंस्टीड ऑफ 5%, 5 की जगह 6, हमने दिया है 6% बट कि देना था 5, 5 की जगह 6, 1% ज्यादा दिया, वो मैंने जो एग्जांपल कराया था 1% ज्यादा दिया तो कैपिटल का 1% निकालोगे वो डेबिट हो जाएगा, उसका टोटल पीएसआर में क्रेडिट हो जाएगा, जो मैंने क्वेश्चन कराया था वाला, ये क्वेश्चन था ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड देम 6% इंस्टीट्यूट ऑफ 5, सेम डिप्टो है,
बस यहाँ पे तीन लोगों का कैपिटल अलग है, बस बाकी सेम है। तो बस 1% जो था ये इसकी तरह करोगे, 1% डेबिट करोगे, उसका टोटल पे साल में क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अगला वाला सेम इसका उल्टा है, लिखा इंटरेस्ट उनका आपने क्रेडिटेड दम 9% इंस्टीट्यूट ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 58 लिखा राम श्याम मोहन, ये सब आपको करने हैं सारे क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक होमवर्क का पार्ट है, 55 से लेकर 59 तक है। तो यहाँ पे लिखा है राम श्याम मोहन पार्टनर शेयरिंग रेशियो 2:1:2, देयर फिक्स कैपिटल 3 लाख 1 लाख 2 लाख। फिक्स है तो करंट अकाउंट से एंट्री करोगे, 3 लाख 1 लाख और 2 लाख का कैपिटल दिया, लेकिन इंटरेस्ट उनका कैपिटल क्रेडिटेड दम 9% इंस्टीड ऑफ 10, 10 की जगह 9 दिया, 1% कम दिया, तो 1% दोगे वो क्रेडिट, उसका टोटल पीएसआर में डबल। समझ गए होगे बात को? तो यही आपके टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा कम या ओमिशन वाला होगा, तो किसी भी तीनों तरह के मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, कम वाला भी, ज्यादा वाला भी, ओमिशन वाला भी। एक और वैरायटी वो भी देखते हैं इसके बाद। और अगर हाँ एक चीज और, वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई देखते हो लाइक कमेंट तो क्या करो यार, लाइक कमेंट ही नहीं आता तुम्हारा, कमेंट तो आता ही नहीं बिल्कुल भी। कमेंट करो, पूछो क्वेश्चंस, इन्वॉल्व हो मेरे साथ। तो मैं जब इन्वॉल्व होते क्लासरूम में ना, तो एक फील आता है इन्वॉल्वमेंट का, जैसे हम ऑफलाइन क्लासरूम होता है इन्वॉल्वमेंट, तो ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन वो कैसे होगा जब आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करोगे तो इन्वॉल्व हो गया आप, मुझसे कनेक्शन बनेगा आपका, वरना तो पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन, पहचान बनाओगे तभी तो डाउट पूछोगे, तो पहचान बनाओ, कनेक्ट हो, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, अलग टाइप, एक और टाइप, फिर हम अगली क्लास में कुछ और आखिरी कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके थोड़े एक्स्ट्रा वाले। एक और जैसे मान लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक टाइप बहुत आसान सा है, मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:1:1 का 3:1:2 का रेशियो मान लो, और लिखा है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर 2020 2021 2022, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लो 3 लाख 1 लाख और 2 लाख। लिखा बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, मतलब गलती से 3 साल का प्रॉफिट जो कैसे बांट दिया भाई, इक्वल बांट दिया। तो ध्यान समझना, तो 3 साल के अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 3 साल का प्रॉफिट जोड़ के होता है 6 लाख रुपए, यानी 6 लाख का प्रॉफिट है जो कि बांटना चाहिए था कैसे, 3:1:1 में 2 में, लेकिन हमने गलती से कैसे बांट दिया है, इक्वल। तो आप फसल गया सीधा डायरेक्ट सा क्वेश्चन, डायरेक्ट करना इसको, सीधा बनाएंगे टेबल, एक्स वाई जेड है, टेबल बनाएंगे एक्स वाई जेड, 6 लाख का प्रॉफिट है, राइट वाला क्रेडिट, रॉन्ग वाला डेबिट, राइट कैसे बांटना चाहिए 3:1:2 में, रॉन्ग कैसे बांटा हमने, तो इक्वल, तो रॉन्ग हो गया 2 लाख 2 लाख 2 लाख, और राइट जो होगा 3 लाख 1 लाख और 2 लाख। देखो इसका तो नील हो गया, जितना मिला उतना मिला, इसको देखो 1 लाख क्रेडिट 2 लाख डेबिट, तो डेबिट का ज्यादा है तो 1 लाख डेबिट, और यहां फिर हो जाएगा 1 लाख क्रेडिट, बस खत्म, एंट्री हो गई। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, बस खत्म। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है कि 2-3 साल का प्रॉफिट होगा, बांटने किसी और रेशियो में, तो बांट किसी और रेशियो में दिया। हाँ अगर हर साल का रेशियो अलग अलग होता तो फिर आप एक साथ जोड़ के देखते, फिर आपको हर एक साल का अलग अलग करना पड़ता, पर इसमें हर साल का रेशियो सेम था तो इसमें बच्चे क्या करते 3 साल का अलग बनाता है। टाइम क्यों कंज्यूम करना भाई, जब पता है कि 3 साल का रेशियो सेम है तो एक साथ जोड़ो, कर दो, सेम क्वेश्चन था आपका। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने कराया टाइप सेकंड के, आप आई होप आपको समझ आ गया होगा, जो इससे पहले मैंने कराया था इंटरेस्ट कम ज्यादा ओमिशन वाला वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में एग्जाम में आने के बहुत 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 चांस है। एक लेक्चर और रहेगा जहाँ पे मैं कुछ और बड़े क्वेश्चन इसके देखेंगे, जहाँ पे आपको क्या है समझाता हूँ, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि आपके पास क्लोजिंग कैपिटल होगा तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं 11th में आपने पढ़ा था, फिर भी मैं यहाँ पे रिकॉल कराऊंगा आपको अच्छे एकदम न्यू सीरीज से, ठीक है। आज इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, बस बस इतना ही। होमवर्क कर लेना लास्ट और आज क्लास के, फिर अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।